हेलो एंड वेलकम गाइस, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी यूनिक चीज़ दिखाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिएगा गाइस। नमस्कार दोस्तों, जन्नत पेट केयर में आपके लिए फिर से स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं जर्मनी अंगूरा। आप देख सकते हैं कि कैसे हैं, इनके फर देखिए। ये नॉर्मल रैबिट में से नहीं है, रैबिट तो भैया लग ही नहीं रहे, मतलब काफी सुंदर सर। ये रैबिट जो छोटे होते हैं जिसको बनी कहते हैं, ठीक है जी, ये वो रैबिट है। ओके, ये तो भैया आप इंपोर्ट करवाते हो इनको? हाँ जी, इंपोर्ट कराते हो आप इनको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इनकी फार्मिंग होती है हमारे पास। ठीक, इंडिया में तो ब्रीडिंग होती है, मतलब या नहीं होती भैया इनकी? इंडिया में ब्रीडिंग होती है, बहुत कम ब्रीडिंग है। मतलब इनकी आईज भी देख सकते हैं, आईज आप देख सकते हैं, रेड ब्लू आईज है। मतलब इसकी गाइस रेड कलर, रेड इस कलर में है, थोड़ी हल्की ब्लू है। मतलब ये जैसे सिरजू डॉग होता है ना, सेम वैसे लग रहे हैं, सेम सेम सेम, मगर सिरजू से ज्यादा फर है इनका, आप देख सकते हैं। मैं अपने फ्रेंड को एक सेकंड, भैया को थोड़ा तंग कर रहे हैं। मतलब आप ये देख सकते हैं, काफी सुंदर रैबिट है गाइस, मतलब चेक कर सकते हो। इनको कहते हैं ताज रैबिट, ताज रैबिट। ये देखिए इनकी खासियत क्या है भैया, जो आप दिखा रहे हो? मतलब सर इनका फर देखिए, ये घर में रखने के लिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए, शो के लिए काफी सुंदर बहुत, है, मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। जो इनका फर है, जैसे जैकेट के अंदर फर लगी होती है, हाँ जी हाँ जी, ये उस लिए काम आते हैं इनके बाल, ठीक है जी, बेसिकली उसके लिए काम आते हैं। बाकी रैबिट बहुत सुंदर आप देख सकते हैं। मतलब गाइस जो हमारे पास फैमिली बोलते हैं कि हम डॉग नहीं रख पाते, रैबिट उनके लिए रैबिट सबसे सही रहेगा, कि काटने बाटने का भी कोई डर तो नहीं है भैया? नहीं 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 कुछ। गाइस एक भैया के पास सिरजू है और एक भैया के पास रैबिट है अंगूरा, जर्मन से इंपोर्ट है ये। तो भैया मतलब क्या डिफरेंट है, देख सकते हो आप डिफरेंस भी? अगर जो ये भी व्हाइट कलर, सिरजू भी व्हाइट कलर हो ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कौन सा है। बिल्कुल 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 सही बात है भैया, आप देख सकते हो दोनों के फर, बल्कि रैबिट के फर ज्यादा है, सिरजू के कम है। एज कितनी है भैया अभी इसकी रैबिट की? रैबिट की इसकी 12 मंथ है, 12 टू। और जो सिरजू है अपने पास, सिरजू 3 मंथ, सेल के लिए है भैया दोनों? सेल के लिए है। ठीक है ठीक है, तो गाइस दोनों भैया के पास सेल के लिए है ये, और डिलीवरी ऑल इंडिया अवेलेबल है। भैया को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भैया का ये नंबर मिल जाएगा। भैया जो शॉप है अपनी कहाँ पे है? अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट में भैया की शॉप है। ये अंगूरा और किसी के पास तो नहीं मिलते होंगे भैया? अम्बाला में किसी के पास नहीं, जो अम्बाला में लेते भी है वो मेरे से ही लेते हैं। ठीक है ठीक है, मतलब ब्रीडिंग के आप ही, आपके ही जाते हो? अम्बाला में मेरे पास ही है। ठीक है ठीक है, अम्बाला में और किसी के पास नहीं है। ठीक है, और डिलीवरी हम खुद करते हैं, अपना डिलीवरी का खुद का ही हैगा, बाय फ्लाइट बाय कार, बाय कार बाय फ्लाइट, जैसे भी कहें कस्टमर, जैसे कहे उस हिसाब से हम डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है भैया, वो कस्टमर की डिमांड होती है, जैसे उन्होंने करवानी है। ठीक है, तो भैया के पास पप्पी भी अवेलेबल रहते हैं गाइस। डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर दिया जाएगा, आप भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हो इन क्यूट क्यूट से, पप्पीज के लिए भी और रैबिट्स के लिए भी और सिरजू के लिए भी। ये सिरजू काफ़ी क्यूट लग रहा है देखने में, एक्टिव काफ़ी है भैया। गाइस ये भैया कहाँ जा रहा है अपना स्टॉक? ये सारा, ये सारा स्टॉक केरला जा रहा है। तो ये केरला जा रहा है, ऐसे ही जाता है भैया ये? हाँ जी हाँ जी, 20 पैकेट्स। तो ये फ्लाइट में जाएगा या भैया बाई कार जाएगा? ये सर बाई कार जाएगा। काफ़ी है भैया, तो सब में एडल्ट है ये? सब में ब्रीडिंग पेयर है, सब में ब्रीडिंग पेयर है। केरला जा रहे हैं भैया? हाँ जी हाँ जी, केरला जा रहे हैं। तो गाइस ये भैया के केरला जा रहे हैं, देख सकते हो आप। एक डब्बे में कितने हैं भैया ये? सर एक पैकेट में 2 पीस, मतलब वन पेयर है। गाइस आप कह सकते हो कितने बॉक्सेज हैं ये, काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेज हैं।